बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोपनोलॉजी का 13th लेक्चर है। आज हम न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रैक्शन का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट किया है। आज चैप्टर नंबर 10 डी का पार्ट है रेजिन्स। रेजिन्स की जो ड्रग्स हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 में से हम पहले भी वोलेटाइल ऑयल्स और लिपिड को हमने स्टडी किया है, उनकी ड्रग्स को। अब चैप्टर नंबर 10 की ही रेजिन्स जो हैं, रेजिन्स में जो ड्रग्स आती हैं उनको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। रेजिन्स का पार्ट 1 है आज। रेजिन्स जो है हम पहले भी ये नाम जो है आपने सुना होगा, ड्रग्स की जब स्टडी करते हैं तो उसमें क्रूड ड्रग्स में हमने रेजिन्स का नाम भी हमने पढ़ा हुआ है, इसकी टर्मिनोलॉजी। रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है डिफरेंट केमिकल्स का। कोई एक केमिकल से ये रेजिन्स जो है वो नहीं बना होता, जैसे हमने लिपिड्स पढ़ा है, सिंपल जो है वो उसके केमिकल से बना हुआ है। लेकिन जो रेजिन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, किसी एक केमिकल से ये नहीं बना हुआ, बल्कि डिफरेंट केमिकल्स डिफरेंट कंपाउंड्स मिल के जो है वो रेजिन्स को बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो रेजिन्स में जो जो ड्रग्स आती हैं उसको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रेजिन्स का जो है इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी क्लासिफिकेशन आज डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है रेजिन्स की, रेजिन्स को कैसे डिफाइन करते हैं। रेजिन्स आर एमॉर्फस प्रोडक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ प्लांट सब्सटेंसेस विच आर ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। रेजिन्स आर एमॉर्फस प्रोडक्ट्स, एमॉर्फस हैं ये, एक होता है एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन जो होता है उसकी प्रॉपर शेप होती है उनकी सॉलिड्स की, जबकि एमॉर्फस जो होता है उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती सॉलिड की, उसका जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। एमॉर्फस हैं ये, क्रिस्टलाइन नहीं है बल्कि एमॉर्फस हैं, इरेगुलर शेप है, कोई ख़ास स्ट्रक्चर या शेप नहीं है रेजिन्स का। कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ प्लांट सब्सटेंसेस, इसमें डिफरेंट प्लांट सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं रेजिन्स में, मिक्सचर है डिफरेंट प्लांट सब्सटेंसेस विच आर ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। जब डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो मिल जाएंगे, डिफरेंट केमिकल्स मिल जाएंगे एक ही उसमें लिक्विड में, एक ही उसमें, तो वो कॉम्प्लेक्स नेचर बना देंगे उसकी कंपाउंड की, ठीक है। जो रेजिन्स हैं वो अमॉर्फस प्रोडक्ट्स हैं और उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर है इनकी, डिफरेंट केमिकल्स का जो है वो मिक्सचर कह सकते हैं वो रेजिन्स है। अ नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो नेचुरल है, नेचुरल हमें प्लांट से मिल रहा है, या फिर सिंथेटिक, या फिर खुद बनाया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंसिस्टिंग ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस जिसे कहते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं है बल्कि नॉन क्रिस्टलाइन है, प्रॉपर शेप नहीं है इसकी, सॉलिड विस्कस लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर। नॉन क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, विस्कस लिक्विड है, सॉलिड फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है और विस्कस लिक्विड में भी, गाढ़ा जो है लिक्विड होता है इसका, थिक होता है, विस्कस लिक्विड सब्सटेंस और मिक्सचर, या फिर मिक्सचर होगा ये कि उसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो रेजिन्स जो है वो एमॉर्फस कंपाउंड हैं, ये आपको याद होना चाहिए, एमॉर्फस कंपाउंड हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर है इसकी, और डिफरेंट कंपाउंड से ये बने हुए हैं, विस्कस लिक्विड है, सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन है। ये रेजिन्स की डेफिनेशन थी, रेजिन्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, क्या खसूसियात हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं रेजिन्स के।
Natural resins are usually transparent or translucent, yellow to brown, and when heated soften and finally melt. जो natural resins होते हैं जो plant से हम हासिल करते हैं वो transparent होंगे, transparent बिल्कुल water की तरह, और translucent होंगे, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होंगे, उसमें जो है वाइटिश होंगे या येलो होंगे या ब्राउन कलर होगा, ठीक है, या तो ट्रांसपेरेंट होते हैं वाइट येलो या फिर ब्राउन कलर होता है, डिपेंड करता है कि हम कौन से प्लांट से वो हासिल कर रहे हैं, उसकी केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिन्स की कि केमिकल नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका कलर क्या होगा. व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाए, सॉफन एंड फाइनली मेल्ट, सॉलिड फॉर्म में होंगे तो अगर हम उसको हीट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल हैं रेजिन्स एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अल्कोहल आ जाता है, इथर आ जाता है, इसमें जो है रेजिन्स सॉल्युबल हैं और वाटर में इनसॉल्युबल हैं. The resins are produced by most plants in a viscous liquid. अब जो plants हैं उसकी जो bark होती है, stem होती है, basically उसमें से जो trees होते हैं, अगर हम trees से resins ले रहे हैं तो उसकी bark और उसकी जो stem है उसके अंदर ducts मौजूद होती हैं जिसमें ये liquid पाया जाता है, और जब इसमें से बाहर आता है तो विस्कस होता है, थोड़ा सा सख्त विस्कस होता है, थिक होता है लिक्विड. जब बाहर आता है एयर की वजह से वो टेम्परेचर की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है. द रेजिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट प्लांट्स इन अ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड की फॉर्म में प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं जिनको बाद में कलेक्ट किया जाता है, जैसे आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है. विस्कस फॉर्म में जो है वो ड्रॉप वाइज प्लांट में से निकल रहा होता है ये. इट इज मेनली कंपोज ऑफ वोलेटाइल ऑयल टर्पीन्स. अब जो रेजिन्स हैं वो उसमें वोलेटाइल ऑयल भी मौजूद होता है, टर्पीन्स भी हैं जिनको बाद में सेपरेट कर दिया जाता है, रेजिन्स को अलग कर दिया जाता है. ऑल्सो कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स विच मेक रेजिन थिक एंड स्टिकी. अब थिक और स्टिकी नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो थिक हो रहा है और स्टिकी होता है, चिपकने वाला होता है और थोड़ा थिक होता है, विस्कस होता है. तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज रेजिन्स की. मेन प्रॉपर्टीज इसकी क्या हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट येलो टू ब्राउन कलर होता है, डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट से ले रहे हैं और कौन सा रेजिन्स हम ले रहे हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और विस्कस लिक्विड की फॉर्म में प्लांट में से प्रोड्यूस होता है, और इसमें जो है वोलेटाइल ऑयल भी मौजूद होता है और टर्पीन भी. नॉन वोलेटाइल ऑयल्स में जो मेक जो नॉन वोलेटाइल ऑयल्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं जिसकी वजह से वो थिक और स्टिकी होता है. ये रेजिन्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी. नेक्स्ट हम रेजिन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. रेजिन्स आर डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस. फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है रेजिन्स को. नंबर वन है ऑलियो रेजिन्स, ऑलियो गम रेजिन्स, बाल्सम्स, ग्लाइको रेजिन्स. सबसे पहले है ऑलियो रेजिन्स. ऑलियो रेजिन्स जो हैं वो मिक्सचर होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स और रेजिन्स के. इनके मिक्सचर को जो है वो ऑलियो रेजिन्स कहा जाता है. नेचुरल ऑलियो रेजिन्स जो है उसमें आ जाता है टर्पेंटीन, इसकी ड्रग है. इसकी एग्जांपल्स ऑलियो रेजिन्स की में है टर्पीन, टर्पेंटीन, जिंजर है, कैप्सिकम है. ये थ्री इसकी एग्जांपल्स हैं ऑलियो रेजिन्स की. नेक्स्ट है ऑलियो गम रेजिन्स.
ऑलियो गम रेजेंस जो है वो मिक्सचर होता है ऑलियो रेजेंस का और गम, ऑलियो रेजेंस और ऑलियो रेजेंस प्लस गम्स दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो वो ऑलियो गम रेजेंस बन जाएगा। गम जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, गम्स प्लस ऑलियो रेजेंस जो हैं इन दोनों का जो मिक्सचर है उनको हम ऑलियो गम रेजेंस कहेंगे, क्योंकि इनकी जो एग्जांपल इनकी जो प्लांट्स हैं वो जो उनमें ऑलियो गम रेजेंस पाया जाता है, ऑलियो रेजेंस के साथ गम भी मौजूद होता है। इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं जो ड्रग हैं उसमें एसाफोटिडा है और मिर है, ये टू एग्जांपल्स हैं ऑलियो गम रेजेंस की। नेक्स्ट है बालसम्स। बालसम्स किसे कहते हैं? बालसम्स जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, रेजिनस मिक्सचर होता है, उसमें डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, रेजिनस मिक्सचर और डिफरेंट एसिड जो हैं इसमें बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है और इसके अलावा कुछ और एसिड्स भी इसमें मौजूद होते हैं, तो वो बालसम्स में वो ड्रग्स आ जाती हैं। अब बालसम्स में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? बेंजोइन है और टोलू बालसम है। नेक्स्ट है ग्लाइकोरेजिन्स। ग्लाइकोरेजिन्स ग्लाइकोरेजिन जो है रेजिनस प्लस ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन्स का जो मिक्सचर है उसको कहेंगे ग्लाइकोसाइड्स। इसकी एग्जांपल्स हैं जैलप है, पोलोसिंथ है, कोडोफाइलम है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये रेजिन्स की क्लासिफिकेशन है, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि रेजिन्स जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, तो जो उसकी क्लासिफिकेशन है डिफरेंट क्लासेस हैं इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग में कौन सा रेजिन्स पाया जाता है और रेजिन्स जो है उसमें उसके साथ कौन सा कंपाउंड मौजूद है। जैसे ऑलियो रेजिन्स है, ऑलियो गम रेजिन, ऑलियो रेजिन्स प्लस उसके साथ गम को अटैच किया गया है, गम ऐड है। बालसम्स हैं जिसमें डिफरेंट एसिड्स हैं, ग्लाइको रेजिन्स हैं रेजिनस प्लस ग्लाइकोसाइड्स का जो है वो मिक्सचर है। तो इस तरह इसकी क्लासिफिकेशन की गई है रेजिन्स की कि कौन से प्लांट्स में कौन सा रेजिन जो है वो पाया जाता है। ये थी रेजिन की क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करेंगे हम ऑलियो रेजिन से। ऑलियो रेजिन की जो ड्रग्स हैं उसको सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले ऑलियो रेजिन में टर्पेंटीन आ जाता है, टर्पेंटीन को हम स्टडी करते हैं। टर्पेंटीन को हमने वोलेटाइल ऑयल में भी स्टडी किया था, टर्पेंटीन ऑयल तारपीन का तेल। अब जो टर्पेंटीन है वो ऑलियो रेजिन्स है, ऑलियो रेजिन्स जो है वो हमें उसका जो ट्री है पाइनस पैलेस्ट्रिस उस ट्री से जो है वो ऑलियो रेजिन्स हमें मिलता है। अब ऑलियो रेजिन्स जो है ये ट्रीज की वैरायटी पे भी डिपेंड करता है कि उसमें ऑलियो रेजिन्स किस तरह का है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ऑलियो रेजिन्स जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, उसमें वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट है, उसमें रेजिन्स भी प्रेजेंट है, तो उसको डिस्टिलेशन के बाद सेपरेट किया जाता है, जिसके बाद हमें वोलेटाइल ऑयल हम अलग कर लेते हैं और जो रेजिन्स हैं उसको हम अलग कर देते हैं। टर्पेंटीन जो है वो ट्री से पाइनस पैलेस्ट्रिस जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है उसकी ट्री से कलेक्ट किया जाता है, ट्रीज के ऊपर जो है वो मार्क लगाया जाता है, उसके बाद जो है जो ऑलियो रेजिन्स हैं उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। ये इसकी ऑलियो रेजिन्स की देख रहे हैं कि किस तरह का होता है। जो सॉलिड फॉर्म में जब आता है तो सॉलिड फॉर्म में भी इसका डिफरेंट कलर्स होते हैं, वाइट भी हो सकता है, येलो ट्रांसल्यूसेंट ये कलर्स हो सकते हैं टर्पेंटीन के। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी जाते हैं स्टडी करते हैं। टर्पेंटीन बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज रेजिन्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री ऑफ पाइनस पैलेस्ट्रिस। पाइनस पैलेस्ट्रिस जो है इसका ट्री का नेम है जिससे हम ऑलियो रेजिन्स हासिल करते हैं। फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली इसकी है पाइनेसी, पाइनेसी फैमिली है इसकी।
जियोग्राफिकल सोर्स कमर्शली या फिर लार्ज स्केल में बहुत बड़े पैमाने पे ये हासिल किया जाता है टर्पेंटीन यूएसए में, फ्रांस, इंडिया, यहाँ पे ज़्यादा कमर्शली इसको प्रोड्यूस किया जाता है टर्पेंटीन को। नेक्स्ट इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एबियाटिक एसिड है, पामेरिक एसिड है, ये मेन एसिड्स हैं जो टर्पेंटीन में पाए जाते हैं। यूजेस क्या हैं इसके? यूज एज स्टिफनिंग एजेंट इन प्लास्टर्स एंड डिफरेंट ऑइंटमेंट्स, क्योंकि ये थिक होता है, विस्कस है, गाढ़ा है, तो ये स्टिफनिंग एजेंट ये जो चीज़ों को सख्त कर देता है उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये उस चीज़ को, फॉर एग्जांपल क्लोथ हैं, कपड़े हैं या कोई और चीज़ है, उसको स्टिफ कर देता है, सख्त कर देता है। स्टिफनिंग एजेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है प्लास्टर्स में, ऑइंटमेंट्स में। इसकी थिकनेस की प्रॉपर्टीज़ है, विस्कस भी इसकी प्रॉपर्टी है, तो एज ए स्टिफनिंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसको प्लास्टर्स में और ऑइंटमेंट्स में। वेटरनरी डायूरेटिक है, एनिमल्स में जो है एज ए डायूरेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। डायूरेटिक्स मीन्स के यूरिनेशन का प्रॉब्लम है तो यूरिनेशन को इंक्रीज करने के लिए वेटरनरी में, एनिमल्स में एज ए डायूरेटिक में यूज़ किया जाता है। एज इंग्रेडिएंट इन कंपाउंड रोजन सीरेट, रोजन सीरेट का एक कंपाउंड है, इसका एक इंग्रेडिएंट है। ये रोजन सीरेट जो है वो सॉलिड येलोइश वैक्स लाइक जो है वो सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट प्रिपरेशंस में यूज़ होता है रोजन, तो रोजन सीरेट की में जो है एज ए इंग्रेडिएंट ये पाया जाता है। टू मैन्युफैक्चर सोप एंड वार्निशेस, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है टर्पेंटीन की, विस्कस है, थिक है, और इस वजह से ये सोप्स और वार्निशेस की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। वार्निश जो हैं वो लस्ट्रस या शाइन करने के लिए, सरफेस पे शाइनिंग लाने के लिए वार्निश को यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिस्टिल्ड टू प्रोड्यूस टर्पेंटीन ऑयल एंड रोजिन, ऑलिव रेजिन्स को जब हम डिस्टिल करते हैं तो हमारे पास टर्पेंटीन ऑयल भी उसमें मौजूद होता है और रोजिन भी मौजूद होता है। रोजिन जो होता है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ये यूजेस थे टर्पेंटीन के। रेजिन्स की फर्स्ट ड्रग हमने आज पढ़ी है, ऑलिव रेजिन्स टर्पेंटीन। नेक्स्ट ड्रग जो है ऑलिव रेजिन्स की वो है जिंजर। जिंजर में से भी हम जिसको उर्दू में, जिसको आम जुबान में अदरक कहते हैं, जिंजर में से भी ऑलिव रेजिन्स जो है वो हासिल होता है। इसमें डिफरेंट तरीका कार होता है ऑलिव रेजिन्स हासिल करने का जिंजर में से, और इसको फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में जो है वो यूज़ किया जाता है इस ऑलिव रेजिन्स को जो हम जिंजर से हासिल कर रहे हैं। इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स पार्ट्स यूज ड्राइड राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेले। ड्राइड राइजोम है, ये राइजोम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जिंजिबर ऑफिसिनेली बोटैनिकल नेम है इसका। फैमिली जिंजिबरेसी, जिंजिबरेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है जिंजर में। जिंजिबरोल, ऑलियो रेजेंस कौन कौन से हैं इसमें? जिंजिरोन है, शेगोर है, इसके अलावा स्टार्च भी इसमें पाया जाता है जिंजर में, ठीक है। ऑलियो रेजेंस, जिंजिरोन है और शेगोल है।
ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। नेक्स्ट इसके यूजेस आ जाते हैं। यूजेस यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है जिंजर ऑयल को। कार्मिनेटिव है, कार्मिनेटिव के तौर पे यूज किया जा रहा है। कॉन्डिमेंट है, एज ए मसाला जात के तौर पे डिफरेंट स्पाइसेस में, खानों में इस्तेमाल किया जाता है जिंजर को, अदरक को। एरोमेटिक स्टिमुलेंट है, ये एरोमेटिक स्टिमुलेंट है। अरोमा, इसकी खुशबू जो है वो एज ए स्टिमुलेंट के तौर पे वर्क करती है, कि जो ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, अलर्टनेस कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है। तो जो इसके अरोमा है, एज ए एरोमेटिक स्टिमुलेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये इसके यूजेस थे। फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्मिनेटिव, कॉन्डिमेंट है, एरोमेटिक स्टिमुलेंट है। नेक्स्ट इसके ये ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं, ये इसके यूजेस नहीं हैं, ये मिस्टेक है इसमें। ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं इसकी, यूजेस हमने ऊपर पढ़ ली हैं, ये इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं। जिंजर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट एक ऑफिशियल प्रिपरेशन है, जिंजर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट इसकी एक प्रिपरेशन है, बनाई जाती है। जिंजर ऑलियो रेजेंस, जिंजर ऑलियो रेजेंस इसकी प्रिपरेशन है। जिंजर सिरप है, जिंजर सिरप के तौर पे भी इसको इसकी प्रिपरेशन बनाई जाती है। देन इसकी है कंपाउंड रुबाब पाउडर। कंपाउंड रुबाब पाउडर मींस के इसमें जिंजर और प्लस रुबाब दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है, तभी इसको कंपाउंड रुबाब पाउडर कहा गया है। तो ये इसके जो है वो ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं, यूजेस नहीं हैं ये। ये डिफरेंट ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। जिंजर की जो ड्रग है वो यहीं पे एंड होती है। आज हमने टू ड्रग्स ऑलियो रेजिन्स की पढ़ी हैं, एक हमने टर्पेंटीन पढ़ी है और एक हमने जिंजर पढ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ड्रग इसकी डिस्कस करेंगे रेजिन्स की। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।